हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और हम लोगों ने दिन का खाना खा लिया है। मतलब शाम ही हो जाती तभी खाते हैं हम लोग दिन का खाना, फिर हम लोग रात का कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, क्योंकि पापा स्कूल से लेट आते हैं, उसके बाद ही पापा और मैं साथ ही खाना खाते हैं। और मैंने जो जो भी घर का काम करना था ना वो सारा काम कर लिया। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर वाले घर, देखते हैं आमा चाची और बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं। और आजकल ना 2-3 दिन से मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, अजीब सा ही वाला। मतलब न धूप ही आ रही है न बारिश ही आ रही है, बस बादल ही बादल लगे हैं। तो मैं ऊपर घर जा रही थी तो मेरे को चाची दिख गए, तो थोड़ी देर चाची से बात करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं चाची लोगों का घर आपको। चाय पानी बना दी? हाँ यार बना दी। खाना बना गए? हाँ बना गए। और खाना मिला खा लिया? हाँ। अच्छा कितना हो गया काम? हम बहुत है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना मेरे पुराने वाले, हाँ पुराने वाले ब्लॉग में, ये मैंने जिस दिन चाची लोगों का गृह प्रवेश था उस दिन बनाया था, तो उस दिन टाइल लगाए थे। आज देखो ये गैलरी में पूरा टाइल लगा दिया है और इस वाले रूम में भी लगा दिए हैं टाइल, बढ़िया बना रखा है टमाटम। और यहाँ भी इस वाले में नहीं लगा रखा ना, ये एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम, इन दोनों में टाइल नहीं लगा रखे हैं। और कौन से वाले में लगा रखा है? इस वाले में? इस वाले में। अच्छा इस वाले में लगा है। मंदिर हो जाने हाँ। ओहो यहाँ बना रखा है मंदिर चाची लोगों ने, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी तो। ना ना अच्छा हो रहा है अभी तो, मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं रखी है खाली, मतलब टाइल से ही बना रखा है अभी, फिर बाद में यहाँ पे रखेंगे। और ये है चाची लोगों का मंदिर वाला रूम, गृह प्रवेश के दिन पूजा भी इसी वाले रूम पे की थी। अब क्या का काम चल रहा है फिर? और अच्छा तो अब छत का काम चल रहा है, तो एक बार जाते हैं छत में। तो यहाँ पे भी अभी काम ही चल रहा है अभी छत में, तो थोड़ा बच ही बच गया ना। आपको यहाँ को पूरा रेलिंग लगा दें यहाँ से, यहाँ यहाँ प्रकाश का चल रहा है काम। और यहाँ तो अब बस यही यही इसी वाले पोर्शन में बजाय रेलिंग लगी, बाकी तो हो ही गया ना। अब कितना है आपका? अरे ठीक है ना, पहाड़ी में अच्छा तो है क्या? हिंदी में बुलाया। प्रकाश अपनी मम्मी को बोल रहा है कि चाची को बोल रहा है कि हिंदी में बोलो, पहाड़ी में अच्छा तो है ना, हिंदी बुलाना। हाँ फिर ठीक है ना, पहाड़ी अच्छा तो है। क्या काम चल रहा है तेरा? काम देख रही है क्या? है कैसा काम कर रहा है करके देख रही है? कौन अच्छा काम कर रहा है फिर? हैं सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं? हैं अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो तू डांटेगी ना सबको, है ना? हाँ बोलना। हैं देख रहे हो पीहू है काम देखने वाली। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये डांटेगी, है ना? चल फिर बाय बोल दी। और मौसम ना बहुत ख़राब हो गया है, अब तो बारिश भी आने लग गई, छींटे मीटे आने लग गए। और यहाँ पे अभी भी इन लोगों का काम ही चल रहा है, तो प्रकाश लोग सोच रहे होंगे फटाफट से हम जो बचा है वो वाला काम कर लेते हैं करके। तो ये है चाची लोगों का घर। वैसे बाहर बाहर का तो काम हो ही गया, थोड़ा बहुत अंदर अंदर का ही बचा है। और चाची अभी घास काटने की सोच रहे थे, डोका लेके आए बाहर पे और आ गई है बारिश, तो गड़बड़ हो गया है। हाँ थोड़ा भी निकाल दो, चाची बोल रहे हैं बारिश में भी मैं थोड़ा बहुत काट ही लेती हूँ। चाची लोग बोल रहे हैं यहाँ टाइल लगाने हैं करके ये वाले पोर्शन में, और अंदर भी लगा रहे हो कि और कमरों में? अच्छा तो चाची बोल रहे हैं वो दो रूम में नहीं लगा रहे और यहाँ लगाने हैं, और अब बारिश बहुत ज्यादा आने लग गया तो मेरे को जाना है ऊपर वाले घर, तो मैं फटाफट से जाती हूँ। चलो फिर बाय 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 बाय। तो जैसे ही मैं ऊपर घर पहुँची ना वैसे इतनी खतरनाक बारिश हो गई, वो तो अच्छा ही है मैं जल्दी जल्दी पहुँच गई, वरना तो आज मेरा ठीक ही होने वाला था ख़त्म। और देखो आप बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया बारिश आ रही है। तो अभी बज चुके हैं 6 और अभी बारिश ना थोड़ा बहुत कम हुई है, तो मैं जाने लगी नीचे वाले घर और आमा मेरे को दरवाजे तक छोड़ने आए हैं। चलो फिर आमा बाय बाय। मैंने ना आज मिट्टी से ओखल को अच्छे से घिसा था, तो आमा बोल रहे हैं मैंने आज लीपा पोती का काम किया था, तो देखते हैं कैसे हाल हो गए हैं इसके। हद तेरी आमा की मेहनत तो बेकार हो गई सब, तो आमा ने यहाँ बढ़िया सा ही बनाया होगा। और यहाँ देखो यार कैसा हो गया है, बारिश से पूरा ही खत्म हो गया है। आमा ने यहाँ यहाँ पूरा लाल मिट्टी से लेप रखा है, अब पानी जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं आमा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे वाले घर, और पता है मैं इतनी स्पीड में आई दौड़ दौड़ के, और अगर मैं थोड़ा भी लेट होती ना आज तो खत्म ही था मेरा, इतनी खतरनाक बारिश हो गई है और बारिश के शानदार औंधे भी गिर रहे हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, मैंने डाल दिया तेल और जीरा धनिया, और यहाँ पे काटी है आलू और लौकी, एक कटोरे में टमाटर और एक छोटी कटोरी में प्याज, और सूरज ने इसमें लहसुन कूट के रखा है। तो एक बार फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। और आज मौसम ना कई ज्यादा खतरनाक हो रहा है, और सूरज ना बहुत बेचैन हो रहा है क्योंकि ना आज लाइट नहीं है, और जिन्होंने लाइट होती थी तो सूरज टीवी के अंदर घुस जाता था, तो आज टीवी के अंदर नहीं घुसा है, तो किचन में बैठा है, तो परेशान हो रहा है बेचारा, क्या करूं कैसा करूं। पहाड़ों में ना एक चीज की बड़ी दिक्कत है, अगर बारिश आएगी तो लाइट गुम,
अगर लाइट होगी तो बारिश कम, ऐसा होता है अगर थोड़ी भी बारिश आ जाए ना तो लाइट नहीं आती है, तो साढ़े चार पाँच बजे से लाइट गायब है। तो फिलहाल है आज दूसरा दिन और मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, खिमू बंसी लाली को बांध दिया है बाहर और अब मैं खेत में आ गई प्याज गोड़ने के लिए। चाची भी आ गए हैं, चाची ने तो अपना काम भी कर लिया है शुरू, और मेरे को ना अच्छे से नहीं आता है तो चाची को देख देख के करूँगी मैं, जैसा चाची करेंगे वैसा ही। तो फाइनली हमारा प्याज गोड़ने वाला काम हो गया है पूरा इस वाले खेत में, अभी दो खेत और बचे हैं तो ये वाला खेत हमने कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोड़ना था गोड़ दिया है। तो अभी किनारे किनारे का जो घास है वो चाची उखाड़ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जाना है वो ऊपर पॉली हाउस के बगल में है दो खेत, वहाँ जाना है। वो खेत में जो प्याज गोड़ने का काम था वो काम करके मैं आ गई थी घर, घर आने के बाद मैंने खिमू बंसी लाली को बांध दिया है गोठ में और अब हमने जाना है पॉली हाउस वाले खेत में, वहाँ भी दो खेत है वहाँ भी गोड़ना है। चाची बोल रहे हैं आज गोबर भी डाल लेंगे खेत में, तो कट्टे वाला गोबर चाची पकड़ रहे हैं और डोके वाला गोबर मैंने पकड़ना है, तो एक बार जाते हैं फटाफट से। तो चाची और मैं पहुँच चुके हैं खेत में और चाची ने तो अपना काम भी कर लिया शुरू, तो ये वाला खेत भी गोड़ना है हमने, उसके बाद गोड़ना है ऊपर वाला खेत और यहाँ पर रख दिया है चाची ने गोबर का कट्टा, तो एक बार फटाफट से गोड़ लेते हैं। तो अभी बच चुके हैं 11:30 और अब ना हमारा पॉली हाउस के बगल वाला खेत गोड़ना है, उसके बाद खोदना है ऊपर वाला। तो अब तो मेरा मन जैसा भी नहीं लग रहा क्योंकि धूप ज़्यादा लगने लग गई है, जब तक नीचे थे ना तो धूप उतना ज़्यादा नहीं लग रही थी और एक ही खेत था तो ऐसा लग रहा था एक ही खेत है, अब यार दो दो खेत हैं, तो एक बार फटाफट से कर लेते हैं। तो अभी बच चुके हैं एक और हम लोगों ने गोड़ने का जो काम था ना वो कर लिया है, ऊपर वाला खेत का नहीं करा, इसी वाले खेत का करा है। तो हम बोल रहे हैं हमने जल्दी काम कर दिया बोल कह रहे हैं, और अब चाची इसमें बकरी का गोबर फेंकने लग गए हैं, जब बकरी का गोबर फेंक के ना प्याज अच्छा होता है कहते हैं, अब पता चलेगा बाद में कितना अच्छा होता है। तो अचानक से ना मौसम बहुत ख़राब होने लग गया है और मैंने धूप में वहाँ धनिया डाल रखा है और आमा ने लहसुन और धुआँ डाला है, तो चाची कह रहे हैं कि मैं गोबर फेंकती हूँ तुम लोग घर जाओ, तो आमा और मैं जाने लग गए हैं घर को। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मैंने गोलू को ना छत में रखा है, तो छत में से मैंने ऊपर बांधना है और जो गाय भैंसों का सुतौर है वो भी डाला था, तो ये गाय भैंसों का सुतौर मैंने सुखाने के लिए डाला था, ये भी उठाना है और यहाँ से लेकर वहाँ तक झाड़ू लगाना है क्योंकि मैंने वहाँ गाय भैंस बांधे थे और मौसम हो गया ऐसा, पता नहीं कब आती है बारिश कुछ पता नहीं है, और गोलू महाराज बिल्कुल सोए हैं छत में आराम फरमा रहे हैं, और गोलू को भी लेके आना है यहाँ पे। तो अभी बच चुके हैं दो और मैंने जो जो भी काम करना था वो सारा काम भी कर लिया और साथ ही खाना भी बना लिया है। तो अभी बच चुके हैं 4 और मैं दिन का खाना खा के आ गई हूँ ऊपर वाले घर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा घास भी काटना था और आमा से भी मिलना था, तो एक बार आमा से मिल लेती हूँ फिर करूँगी अपना काम जो भी करना है। आज का मौसम ना ड्रामेबाज हो रहा है बहुत ज़्यादा, न बारिश आ रही है न कुछ, बस हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़ से, और वो उस वाले पहाड़ में देखो बर्फ़ पड़ गई है और खलिया टॉप में भी थोड़ी थोड़ी, और आमा का यहाँ पे काम चल रहा है शायद घास उखाड़ रहे हैं आमा। अभी बच चुके हैं 5 और मैं आमा से भी मिल रही हूँ, अब चाची और मैं जाने लग गए हैं, थोड़े से जौ काटने थे वो भी काटना है और कल ना फुलदेली है तो फुलदेली के लिए फूल भी तोड़ने हैं। चाची कोई भी फूल डाल सकते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं कुछ भी, हाँ मतलब चाची बोल रही है कि कितने भी फूल डाल सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब अलग अलग के इतने डालने हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी फूल डाल सकते हो और सारे फूल मिक्स करके डालने होते हैं। तो कल दिखाऊँ, कल अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ फुलदेली का त्यौहार कैसे मनाते हैं। दो चाची ने तोड़ दिए दो प्रकार के फूल, किस किस के फूल है चाची? ये किसका है? ग्यूपात जो कहते हो चाची का नाम सुनो। हाँ क्यों कहना नहीं भैया? पत्थर चट्टा ये नहीं उधर है भाई, उधर है भाई, ये कहना नहीं आ रहा था यार, ये नहीं भाई उधर भाई। चाची और आमा कह रहे हैं कि इस फूल का नाम ये है, वो बोल रहे हैं वो है, अब पता नहीं क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता रहा कि इस फूल का नाम है क्या है, पत्थर चट्टा कहते हैं। और चाची क्या कह रही थी? उन्हें
तो अमल थोड़ा बहुत और तोड़ दे रहे हैं फूल। हम चाची और मैं देखते देखते आए, हमको कुछ फूल ही नहीं मिले, जो मिले ऊपर वाले घर ही मिले, तो अब वही फूल डालेंगे कल। और अब हमने हम लोगों ने काटने हैं जौ, तो चाची ने तो जौ काटना भी शुरू कर लिया है, क्योंकि ये जौ ना बेकार से ही है, मतलब कुछ नहीं होने वाला है इनका अब। तो हम लोग आए थे इस वाले खेत में, तो आमा बोल रहे हैं यहाँ से नहीं काटने हैं, वो तार बार से जो बाहर हमारे खेत है ना वहाँ काटना है, तो अब हम लोग जाने लग गए हैं वहाँ को। तो हम लोग तार बार के बाहर वाले खेत में पहुँच गए चाची और मैं, हमने ना इस वाले खेत से जौ काटना है, जौ के तो ख़त्म ही आ रहे हैं, बारिश नहीं हुई ना उसकी वजह से कुछ भी नहीं आ रखे हैं, तो अब ये अब नहीं आएंगे ना चाची। चाची बोल रहे हैं बेकार ही हुआ, तो इससे अच्छा इनको काट के गाय भैंसों के काम आएगा, तो एक बार इसको काट लेते हैं फटाफट। तो जौ खाने का काम हमारा हो गया, देखो यार इनमें बाली नहीं आई ना, इसलिए हमने उन्हें उखाड़ लिया, और जो ये बाली आ रखी है ना ये बेकार सी है, मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं। तो चाची बोल रहे हैं मैं फूल देखने जाती हूँ फिर से, अब देखते हैं मिलते नहीं मिलते हैं, मिले कहीं। तो चाची बोल रहे थे मैं फूल देखने जा रही हूँ, मैं आधे घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रही थी यार, वो फूल देखने वाले कहाँ गए अभी तक, और चाची के हाल देखो वहाँ जाके घास काटने लग गए हैं, वो उधर गए हैं, बोल रहे हैं अब गई हूँ तो घास उखाड़ के लेके आती हूँ। तो अब थोड़ी देर चाची का इंतजार कर लेती हूँ, फिर जैसे चाची आते फिर जाते घर को। और चाची के हाल देखो मेरे से कहा फूल देखने जा रही हूँ, फूल तो मिले नहीं बल, अब सरसों लेके आ गई बल, ये सरसों हो गया क्या? अच्छा तो चाची बोल रहे हैं बाद में ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा पहले उखाड़ के ला जाती हूँ। तो खेत से मैं आ गई हूँ घर, अब मेरा जो जो काम है ना वो सारा काम कर लेती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में तय रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।